हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएसबी इंटरव्यू के स्क्रीनिंग टेस्ट के बारे में कि स्क्रीनिंग टेस्ट क्या होता है, कैसे होता है एसएसबी इंटरव्यू का स्क्रीनिंग टेस्ट, स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए आपको क्या प्रिपेयर करके जाना पड़ता है और कैसे इंटरव्यू होता है स्क्रीनिंग टेस्ट का। तो आज के वीडियो में डिटेल में जानेंगे एसएसबी इंटरव्यू के स्क्रीनिंग टेस्ट के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एसएसबी इंटरव्यू के स्क्रीनिंग टेस्ट के बारे में। तो एसएसबी जो कि एक सर्विस सिलेक्शन बोर्ड है जो डिफरेंट डिपार्टमेंट के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है। यदि आप एसएसबी के लिए शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं या आप एसएसबी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो सबसे फर्स्ट डे का जो टेस्ट होता है वो होता है स्क्रीनिंग टेस्ट। एसएसबी का टोटल 5 दिन का इंटरव्यू चलता है, 5 राउंड का इंटरव्यू चलता है। यदि आप 5 राउंड के इंटरव्यू में क्वालिफाई कर जाते हो तो आप एसएसबी इंटरव्यू को क्रैक करके अपनी जॉब पा सकते हो। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट होता है वो टेस्ट होता है स्क्रीनिंग टेस्ट, क्योंकि यदि आप स्क्रीनिंग टेस्ट में डिसक्वालीफाई होते हो तो आप नेक्स्ट राउंड के इंटरव्यू को नहीं फेस कर पाते हो। तो स्क्रीनिंग टेस्ट इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टेस्ट होता है। और फर्स्ट डे का जो टेस्ट होता है वो होता है स्क्रीनिंग टेस्ट। तो ये 2 रीज़नों से स्क्रीनिंग टेस्ट इम्पोर्टेंट है। एक तो जो पहले दिन होता है, और दूसरा जो कि यदि आप डिसक्वालीफाई होते हैं तो आगे के स्टेप में आप नहीं जा सकते। तो आइए जानते हैं कि स्क्रीनिंग टेस्ट कैसे होता है। तो स्क्रीनिंग टेस्ट फर्स्ट डे होता है। फर्स्ट डे आपको रिपोर्टिंग करना होता है एसएसबी बोर्ड पे। यदि आप शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं, रिपोर्टिंग करने के बाद यदि आपका सारा डॉक्यूमेंट सही होता है तो आप आगे के टेस्ट के लिए जाते हो। और आपसे 2 टेस्ट कराया जाता है उस दिन, वर्बल नॉन वर्बल का टेस्ट एंड स्क्रीनिंग का टेस्ट। सबसे पहले जो टेस्ट होता है वो टेस्ट होता है वर्बल एंड नॉन वर्बल का टेस्ट। वर्बल एंड नॉन वर्बल के टेस्ट के लिए 50-50 क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, जो कि मल्टीपल बेस्ड चॉइस क्वेश्चन होता है। मल्टीपल बेस्ड चॉइस क्वेश्चन को करके आपके वर्बल एंड नॉन वर्बल के टेस्ट को कंप्लीट करना होता है। जैसे ही वर्बल एंड नॉन वर्बल का टेस्ट समाप्त होता है आपको लंच के लिए भेजा जाता है। तो वर्बल एंड नॉन वर्बल के टेस्ट को देने के बाद आप लंच करते हैं, और लंच जैसे ही ख़त्म होता है आपको एक हॉल में बुलाया जाता है स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए। और जैसे ही आप एक हॉल में जाते हैं आपको एक पिक्चर दिखाया जाता है जो कि हैजी या क्लियर भी होता है। कभी कभी वो पिक्चर हैजी टाइप में होता है जो कि क्लियर नहीं दिखता है, बट कभी कभी उसको क्लियर भी दिखा दिया जाता है एसएसबी स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए। आपको 30 सेकेंड के लिए टाइम दिया जाता है कि आप 30 सेकेंड में इस पिक्चर को वॉच करें, एनालाइज करें कि इस पिक्चर में कितने कैरेक्टर हैं और इस पिक्चर से क्या स्टोरी बन सकती है। उस पिक्चर को देखने के बाद आपको पेपर शीट दिया जाता है, और उस पेपर शीट के लिए जो टाइम दिया जाता है वो 4 मिनट का टाइम होता है। और उस पिक्चर में आपको बोला जाता है कि आप जो पिक्चर देखे हैं उस पिक्चर से क्या स्टोरी बन रही है, क्या क्या कैरेक्टर उस पिक्चर में आप देखे हैं उस कैरेक्टर को आप लिखिए, उस स्टोरी को आप लिखिए। तो उस स्टोरी को आप लिखते हैं और उसके लिए 4 मिनट का टाइम दिया जाता है कि आप 4 मिनट के टाइम में एक स्टोरी लिखिए और क्या क्या कैरेक्टर उस पिक्चर में था उस कैरेक्टर को आप लिखें। जैसे ही 4 मिनट खत्म होते हैं आपका टाइम खत्म हो जाता है और आपको अलग अलग ग्रुप में बांट दिया जाता है। एक ग्रुप में 10 या 15 मेंबर को बांटा जाता है, और उस ग्रुप को अलग अलग जगहों पे अलग अलग इंटरव्यूअर के सामने बैठाया जाता है, और आपसे बोला जाता है कि आप ग्रुप डिस्कशन करिए अपने ग्रुप के साथ और एक स्टोरी फाइंड आउट करिए जो कि स्टोरी सही हो। तो आपका ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट होता है और आप अपना ग्रुप डिस्कशन करते हैं, और आप ग्रुप डिस्कशन से एक निष्कर्ष आपको निकालना पड़ता है, और आप एक स्टोरी निकालने के बाद आपका जो पेपर शीट है वो ले लिया जाता है, और फाइनली रिजल्ट की बारी आती है और आपका रिजल्ट अनाउंस किया जाता है। रिजल्ट अनाउंस करने के बाद जो भी कैंडिडेट स्क्रीनिंग टेस्ट वर्बल एंड नॉन वर्बल टेस्ट मीन्स कि फर्स्ट डे के टेस्ट को क्वालिफाई करते हैं उनको सेकेंड डे के टेस्ट के लिए आगे भेजा जाता है। और जो भी इस कैंडिडेट स्क्रीनिंग टेस्ट या फर्स्ट डे के टेस्ट को क्वालिफाई नहीं करते हैं उनको घर भेज दिया जाता है कि आप डिसक्वालीफाई हैं। मीन्स कि फर्स्ट डे के टेस्ट में यदि आप क्वालिफाई होते हो तो आगे के 4 दिन का टेस्ट आप दे सकते हैं। यदि आप फर्स्ट डे के टेस्ट को डिसक्वालीफाई कर जाते हैं तो आप वहीं से एसएसबी बोर्ड से बाहर आ जाते हैं और आप एसएसबी इंटरव्यू के लिए आगे नहीं जाते हैं। यदि आप फर्स्ट डे के टेस्ट में आप पास हैं तो नेक्स्ट राउंड 4 दिन तक चलता है तो ये था ये पूरा प्रोसेस स्क्रीनिंग टेस्ट का कि स्क्रीनिंग टेस्ट कैसे होता है एसएसबी इंटरव्यू के लिए। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आपका भी कोई सवाल है एसएसबी इंटरव्यू स्क्रीनिंग टेस्ट से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम अगले वीडियो में।